दोस्तों जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स देखते होंगे तो उसमें आप एक वीडियो बहुत ही पॉपुलर देखते होंगे कि जब भी कोई एग्रेशन वाला सीन आता है, मतलब जब भी कोई गुस्सा वाला सीन आता है, तो उसमें लोगों के आंख से बिजली कड़कते रहते हैं या आग निकलते रहता है। तो कुछ ऐसा सीन आपने देखा होगा, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि अभी मेरे आंख से जो है बिजली कड़क रही होगी या आग निकल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की वीडियो अगर आप भी एडिटिंग सीखना चाहते हैं कि ऐसा वाला वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, कौन से एप्लीकेशन से करते हैं और करने में कितना मेहनत लगता है, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही आसान प्रोसेस में, बिल्कुल बिल्कुल इजी प्रोसेस में आपको इस वीडियो को एडिटिंग करने वाला सिखाने वाला हूँ कि वो आँख से धुआं या बिजली कड़कने वाली एडिटिंग हम कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस राज और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल प्रीटेक सपोर्ट। एडिटिंग सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और वहां से जाकर देखते हैं कि वो एडिटिंग हमें कैसा करना है। दोस्तों ये एडिटिंग बहुत ही ईजी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि कहीं अगर आप स्किप करते हो तो हो सकता है कि आप कोई प्रोसेस छोड़ दो, जिसकी वजह से आपके एडिटिंग में वो इफेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना कोई देरी के सीख लेते हैं कि आई फायर इफेक्ट वाली वीडियो हम कैसे एडिट करते हैं, मतलब आँख से आग निकलने या बिजली कड़कने वाली वीडियो को हम कैसे एडिट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके लिए हमें कैपकट एप्लीकेशन को ऑप्शन ओपन कर लेना होगा। अगर कैपकट एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो इसे कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर हमने ऑलरेडी बता रखा है टेलीग्राम पर कि कैपकट एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमने कैपकट एप्लीकेशन को खोल लिया और यहाँ पे जो भी वीडियो को हमें एडिट करना होगा सबसे पहले वहाँ पे हमें लाना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, किसी वीडियो को, किसी भी हम अपना एक वीडियो को इसमें ला लेते हैं हम। चलिए जैसे कि मेरा ये वीडियो है, मान लो ये वीडियो, तो यहाँ पर हमने इस वीडियो को ऐसे, मैं राम के अलावा यहाँ किसी को राजा नहीं मानता, यहाँ पर हमने इसे ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऐड करने के लिए नीचे सिंपली से क्या करना है, कैसे हमने यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो ये वीडियो एडिट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कैपकट में लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग होने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो को जैसे हम नॉर्मली काइन मास्टर या VN एप्लीकेशन या किसी भी वीडियो एडिटर में अगर आप फ़ोन से एडिट करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो इसमें हमें बहुत सारे वैसे इफेक्ट थी में कर, लेकिन हमें यहाँ पर जो मेन इफेक्ट सीखना है वो सीखना है कि आँख से आग निकलने वाली वीडियो कैसे इसमें हम एडिट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में मेरे आँख से थोड़ा सा बिजली कड़कते हुए आग निकलते हुए आपने देखा होगा, तो उसी तरह का वीडियो मैं आपको यहाँ पे एडिट करना सिखाना होगा। तो बिना कोई देरी के डायरेक्ट हम आपको पॉइंट पे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि वो हमें कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि एडिट हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, ओवरले हो गया, इफेक्ट। यहाँ पर जो हमें एडिटिंग करना उसके लिए हमें यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना होगा, ठीक है। और इसके लिए एक बार आप मेक श्योर कर लेना कि आपका डाटा ऑन होना चाहिए, ठीक है। और वर्ड इफेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको VPN यहाँ पे ऑन करना होगा, ठीक है। तो VPN आपके फ़ोन में होगा, वैसे तो हर किसी के फ़ोन में होता है VPN, नहीं भी होगा तो आप ऑन उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर VPN लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने VPN में लगा रहा हूँ, अभी VPN को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे इफेक्ट लगा रहे थे। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे तीन इफेक्ट मिलते हैं, वीडियो इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट, फोटो इफेक्ट। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे बॉडी इफेक्ट में, और बॉडी इफेक्ट में हम जाएंगे तो बॉडी इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएगा, ठीक है। सर्च वाले ऑप्शन में हमें चले जाना है और यहाँ पर लिख देना है कि आई फायर, यहाँ पर हम लिख देंगे आई। अब जैसे हम आई लिखेंगे ना तो आई के बाद कुछ ऑप्शन, हमारा अगर नेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे आई फायर, और आई फायर लिख करके यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। तो भाई देख सकते हैं कि आई फायर लिखने के बाद कुछ इस तरह के इतने ऑप्शन हमारे पास खुल करके आ गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये भी आप बहुत इंस्टाग्राम पे पॉपुलर देखे होंगे कि ये वाले आग ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर आप लगाना चाहो तो ये वाला भी यहाँ से लगा सकते हो, बाकी दो तीन और अभी खुल जाएंगे थोड़ी देर में, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि इसमें पहले आपको डाउनलोड करना होगा, तो इसमें अगर आप ये वाला इफेक्ट ऐसे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैसेज सिंपली से क्लिक कर लेंगे, और सिंपली से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आँख से बिल्कुल आग निकलने लगा है। इसे आप अगर एडजस्ट करना चाहो, ठीक है, तो एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे कलर वगैरह यहाँ पे आप इसे चेंज कर, देख सकते हो कि फायर का जो कलर है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसका रेंज वेंज जो है, रेंज वेंज भी आप घटा बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और स्पीड स्पीड जो है स्पीड भी यहाँ से घटा सकते हो फ्लेम का,
और बाद बाकी आप सब चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हो, कैपेसिटी वगैरह सब चीज़ अपने हिसाब से दे सकते हो। तो ये तो आग जलने वाले होगी, बिजली कड़कने वाले भी सेम इसके बगल वाला है, ये देखिए बिल्कुल आँख से आग निकलने लगा। और उसके जैसे ही अगर बिजली वाला देखिएगा तो तीसरे नंबर वाला है वो बिजली वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरह का करके दोस्तों, तो अगर मान लो कि ये तो इफेक्ट है लेकिन इसे लगाना कैसे है, तो इसे जैसे मान लो कि मुझे ये इफेक्ट लगाना है तो इस पर हम चले जाएंगे, ठीक है। और इस पर जाने के बाद क्या करेंगे कि इस पर जाने के बाद हम यहाँ से बैक ले लेना है। तो अब देखिए दोस्तों, मेरा जो इफेक्ट है वो यहाँ बिल्कुल काम कर रहा है। इसे अगर हम आगे पीछे करना चाहें तो सेम जैसे कि आप दूसरे किसी वीडियो एडिटर में किसी इफेक्ट को लगाते होंगे, इसमें लॉन्ग प्रेस करके ऐसे होल्ड करेंगे और कहीं भी इसे आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा iFire वीडियो एडिटिंग सीखने में। तो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपने के अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।